हेलो फ्रेंड वेलकम टू स्टडी न्यूज़ भारत एक ऐसा देश है जिसका संपूर्ण इतिहास राजा महाराजा किले व युद्धों से भरा पड़ा है जिसके इतिहास में सैकड़ों महाराजा हुए जिन्होंने अपनी व अपनी प्रजा की रक्षा के लिए विशाल किलों व महलों का निर्माण कराया जिन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कई ऐसे किले बनाए जिनकी निशानियाँ आज भी मौजूद हैं आज भी ये किले प्राचीन समय की तरह सुरक्षित व मजबूती से खड़े हैं इन्हीं किलों में से एक जूनागढ़ किला जिसे भारत के धनी किलों में गिना जाता है तो जानते हैं जूनागढ़ किले के बारे में सो अस स्टार्ट प्राचीन इतिहास की अनूठी धरोहर यह किला राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है माना जाता है कि इस किले का निर्माण राजा राय सिंह के भरोसेमंद दरबारी ने करवाया था जूनागढ़ किले की न्यू 1478 में राव बीका द्वारा रखी गई थी लेकिन इस किले का संपूर्ण निर्माण राजस्थान के शासक राजा राय सिंह ने सन 1589 में शुरू कराया और यह किला 1594 में बनकर तैयार हो गया था इस किले के निर्माण में लगभग पाँच वर्ष से अधिक समय लगा था जूनागढ़ किले को बीसवीं शताब्दी से पहले बीकानेर किले के नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में इसे जूनागढ़ किले के नाम से जाना जाने लगा इस किले की संरचना व उत्कृष्ट वास्तुकला प्राचीन इतिहास की मनोहर निर्माण शैली को दर्शाती है इसकी बनावट में राजपूत मुगल व राजस्थानी शैलियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है जूनागढ़ किले के परिसर में कई खूबसूरत महल हैं महलों की दीवारों पर कई बेहद कीमती नक्सियाँ की गई हैं और चित्रों का भी इस्तेमाल किया गया है इस किले के निर्माण कार्य में प्रयोग हुए संगमरमर के पत्थर व लाल पत्थर इसकी भव्यता में चार चांद लगा देते हैं यह किला भारत के ऊंचे किलों में से एक है इसकी औसत ऊंचाई 230 मीटर है ये लगभग पांच हेक्टेयर एरिया में फैला है और जिसकी बाहरी दीवारें मीटर ऊंची व लगभग पंद्रह फीट चौड़ी हैं। किला समतल जमीन पर इस किले का आकार बड़ा होने के कारण इसमें कुल सात प्रवेश द्वार बनाए गए थे जिसमें दो प्रमुख थे जिसका नाम करण ध्रुव व सूरज पोल द्वार है इस किले के दौलत पोल द्वार की दीवारों पर उन महिलाओं के हाथों के कई निशान हैं जिनके पति युद्ध के मैदान में मारे गए थे इस किले के अंदर कई भव्य व सुंदर मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया था जो आज भी उपस्थित हैं। यहाँ राधा कृष्ण और नारायण लक्ष्मी का मंदिर है आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले पर आक्रमणकारियों द्वारा सिर्फ एक बार कब्जा किया गया था जो बाबर के पुत्र कामरान मिर्जा फिफ्टीन थर्टी फोर में राव जैत सिंह के शासन के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए किया गया था अब जानते हैं इस किले में उपस्थित महलों के बारे में जूनागढ़ किले के भीतर बनी संरचनाएं महल व मंदिर जो लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से बने हैं जो राजा व रानियों के भव्य जीवन शैली को दर्शाते हैं कर्ण महल ये महल राजपूत और मुगल शैली में बना है इसका निर्माण महाराजा कर्ण सिंह ने औरंगजेब पर जीत की खुशी में करवाया था महल के अंदर शीशे और अन्य सजावट का काम महाराजा अनुप सिंह के समय में हुआ था ज़्यादातर यह स्थान होली का उत्सव मनाने के लिए किया जाता है और यहाँ बीच में बना मंडप राजा के बैठने का स्थान होता था इस महल में प्राचीन काल की उत्कृष्ट वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है इसका निर्माण 1680 सौ में हुआ था ये महल विश्व भर में लोकप्रिय है फूल महल ये महल इस किले का सबसे पुराना महल है इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था इस महल की दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी और शीशे की सजावट की गई है यह महल रानी का होता था चंद्र महल ये महल राजा व रानियों का सहन कक्ष होता था जहां उनके सामान आज भी वैसे ही रखे हुए हैं अनुप महल ये महल किले का सबसे भव्य व महंगा महल है इस महल का छत लकड़ी का बना हुआ है और उस पर बहुत बारीक नकाशियाँ की गई हैं। इस महल में मौजूद एक पुराने सिंहासन से पता चलता है कि ये जगह राजा महाराजा का निजी बैठक होता था बादल महल ये महल एक छोटा महल है जिसकी छत पर बादलों की चित्रकारी बनाई गई है इस महल को ठंडा रखने के लिए फव्वारे लगाए गए थे यह महल रानियों को बरसात का आनंद लेने के लिए बनाया गया था इस महल में भगवान राधा कृष्ण और सीता राम की मूर्तियाँ भी हैं गंगा महल ये महल जूनागढ़ का म्यूजियम है यह महल महाराजा गंगा सिंह का महल था महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के सबसे लोकप्रिय शासक थे उन्होंने बीकानेर के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया था उन्होंने बीकानेर में रेल मार्ग नहर निर्माण कार्य करवाया था जिससे जनता को बहुत लाभ मिलता था इनके शासनकाल में बीकानेर काफी सम्पन्न था इनके निर्माण कार्य में गंग नहर करणी माता मंदिर लालगढ़ रेलवे स्टेशन और देशनोक स्टेशन आदि कार्य करवाए गए थे यहाँ उनके वस्त्र और निजी सामान रखे हुए हैं दीवाने खास जिसे दरबार हॉल भी कहते हैं यहाँ राजा जनता की समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे तो ये थी जूनागढ़ किले से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट